Hey, what's up guys? It's me, Dula Sheikh. Welcome to my channel. Welcome to my another vlog. यार कैसे हो सब? ठीक हो ना? यार अभी फिलहाल ये सीन है आज आपका भाई राहुल पिंडी के अंदर था, ठीक है, और आज जा रहा हूँ एरिड यूनिवर्सिटी मतलब अक्रम भाई की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये अक्रम भाई जा रहे हैं और इनकी यूनिवर्सिटी मतलब कि जा रहा हूँ और देखते हैं यार क्या सीन है क्या नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा माहौल है और आप लोगों को भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हॉस्टल से निकले हैं, ठीक है, हॉस्टल से निकल के सीधा हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। सो वो सामने बस यूनिवर्सिटी, हॉस्टल के करीब यूनिवर्सिटी थी। अभी फिलहाल एंटर हो चुके हैं यार यहाँ पे, ठीक है, एरिड यूनिवर्सिटी के अंदर। देख सकते हैं ये पार्किंग की जगह है, ठीक है, और वो एंट्रेंस थी। और अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हुआ हूँ, देखता हूँ क्या निज़ाम है क्या माहौल है। तो फर्स्ट टाइम इन यूनिवर्सिटी इन एरिड, सो लेट्स सी, देखते हैं यार क्या क्या निज़ाम है, कौन कौन सी क्लासेस, कौन से बैच और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं। अकरम भाई तो जाने लगे अपने क्लास में, ठीक है, और ये हैं बगैर रजिस्टर के जा रहे हैं। देखिए इतना यूनिवर्सिटी में इजी माहौल है कि बगैर रजिस्टर के भी मतलब कि कोई बैग नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, बस ऑन सिस्टम है, बस जाना है क्लास में बैठ जाना, सुकून से इजी हो गया आ जाना। इतना खुला यूनिवर्सिटी में माहौल माशाल्लाह जी। इनका ये डिपार्टमेंट है BS इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सो BS इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट, ये मेरा करीबी देख इसकी वीडियो बना, क्या नाम है, सैयद अली चलते हैं इनके डिपार्टमेंट और जाके देखते हैं क्या सिस्टम है। आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि डिपार्टमेंट्स को हाईलाइट करवाता जाऊंगा। वो पहले BS इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट था, ठीक है, और ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, ठीक है। असल में ना एरिड यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कि यार यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के। और यहाँ पर हमें मिले हैं जी अदनान साहब फ्रॉम फाजलपुर, ठीक है, और कोई इंट्रो अगर हो तो बताएं, ठीक है। और ये हमें करवाएंगे सारी यूनिवर्सिटी का विज़िट। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ठीक है, वो साथ BS इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो ये भाई हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, सोशियोलॉजी के फर्स्ट डिपार्टमेंट में भाई हैं। और यहाँ से यार ये गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, यहाँ पर आ गए और ये देख सकते हैं। और ये जी ये क्या है, ये नर्सरी है, ठीक है, और मतलब देखें वो बैठे हुए लोग कि यार नर्सरी का ख्याल रख रहे हैं, ये देख सकते हैं ये नर्सरी, ठीक है। और ये क्या है, ये बन रही है प्लांट, ये प्लांट्स हैं यार, ये प्लांट है, ठीक है, ये नर्सरी है, ठीक है। और पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी स्टूडेंट्स वर्क स्टेशन। तो यार ये देख सकते हैं आप, ये तालाब है जिसे हम बोलते हैं, फ़िश फार्म भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों की ज़ुबान में बोलते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे यार इसके अंदर मछलियाँ वगैरह अंदर मतलब ना मछलियाँ वगैरह हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब कि अगर टेस्टिंग के लिए आते होंगे यहाँ पे ना कुछ लोग, मतलब निकालते हैं मछलियाँ फिर टेस्ट करते हैं फिर प्रोडक्शन करते हैं उनकी। सो यार ये फ़िश फार्म था, ठीक है, ये देख सकते हैं रोड भी कितने कितने खुले हैं कि यार इजीली मतलब कि बंदा गाड़ी लाए जो मर्जी लाए, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं ला सकता, बाहर पार्किंग है यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो वहाँ पर मतलब खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे सर वगैरह लेके आ सकते हैं ना, यहाँ सर वो जो प्रिंसिपल जो भी मतलब कि हेड होते हैं, वो कैफेटेरिया भी थोड़ा सा विजिट करूँगा मैं। और लेट्स सी, तो जी यहाँ से शुरू हो रहा है कैफेटेरिया, ठीक है, खाने पीने की जगह है सारी। और फूड स्ट्रीट यार देखें, फूड स्ट्रीट है। और अभी ये जो भाई है ना इनको भी ब्रेक हुई है 2 से 3 घंटे की, इसीलिए मुझे विजिट करवा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी का। सो लेट्स सी, आप लोगों को भी दिखाता हूँ, अभी देखें सबको ब्रेक हुई है, किसी का मतलब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, किसी की क्लासेस एंड हो रही हैं, ठीक है। तो ये फूड स्ट्रीट थी देखें, और यहाँ पर बैठ के ब्रेक इंजॉय कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि जो तादाद है ना वो इस वक्त मुझे जो लग रही है सराइकियों की है, ठीक है, ऐसी है ना सराइकी कल्चर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान की भी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कल्चर से हैं यहाँ पे गर्ल्स। स्पोर्ट कम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि मतलब कि हर स्पोर्ट्स के लिए मतलब कि उन्होंने ग्राउंड छोड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, लड़कियाँ भी खेल सकते हैं, वो देखें लड़कियाँ खेल रही हैं। और क्या नाम है, यहाँ पर लड़के खेल रहे हैं, ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं, लड़के बैठे हुए हैं, तो ये सीन है। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि वो बैट बॉल भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, वो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, यहाँ पे सारा ग्राउंड ही है, ठीक है, जो कि खेलने के लिए स्पोर्ट्स के लिए बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी के। सो अभी फ़िलहाल कैफेटेरिया के साथ ही ग्राउंड है, ठीक है, कैफेटेरिया के साथ ग्राउंड था। और लड़कियों की बॉल यहाँ पे आगे भाई किक करेंगे, आय हाय हाय लड़कियाँ भी यार फुटबॉल खेल रही हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी, अभी फ़िलहाल गिलगित की हैं ये भी लड़कियाँ, गिलगित बल्तिस्तान, तो अभी फ़िलहाल फुटबॉल वगैरह खेल रही है। और हम चलते हैं आगे और आगे जाके देखते हैं क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से स्पोर्ट्स। वो वॉलीबॉल के लिए जा रही है यार, लड़के वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखें वॉलीबॉल, ठीक है, ये सामने ग्राउंड था स्पोर्ट्स का, ठीक है, और ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है,
वॉलीबॉल मतलब कि खेलने की जगह है, ठीक है। और ग्राउंड काफ़ी मतलब कि है ना खुला था और बड़ा था, मतलब हर स्पोर्ट्स यहाँ पे हो सकती है यार। जो टीचर्स के लिए मतलब कि जिम वगैरह होती है ना, मतलब टीचर्स जिम कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वो अपने आप को स्पोर्ट्स के लिए मेंटेन कर सकते हैं, तो यार ये उनके लिए है ये बिल्डिंग। वो खुद आते हैं और जिम वगैरह करते हैं यार यहाँ पे आके, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं थोड़ी बहुत। सामने ग्राउंड है वो वहाँ पे भी खेल सकते हैं, बट उनके लिए अलग एक उन्होंने बिल्डिंग बनाई है जिम वगैरह करने के लिए। सो लेट्स सी, आगे चलते हैं, आप लोगों को और भी डिपार्टमेंट दिखाता हूँ मैं आगे जाके। तो ये था जी ग्राउंड, ठीक है, और ये जिम की बिल्डिंग थी, ये ग्राउंड था और वो वॉलीबॉल की जगह थी। आप लोगों को दिखाइए थोड़ी सी। तो यार ये देखें, अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट आप लोगों को विज़िट कराने लगे हैं। सो अभी फ़िलहाल ये जी मीटिंग रूम जो मतलब होता है सर्स का, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का, और ये सारा वो एरिया है। सो अभी फ़िलहाल लेट से चलते हैं भाई और देखते हैं। तो यार अभी फ़िलहाल हम आए हैं बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, किसी की मतलब ये फर्स्ट टाइम क्लासेज होती हैं और किसी की सेकेंड टाइम क्लासेज होती हैं, ठीक है। और ये जो है ना फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, ये किस चीज़ का डिपार्टमेंट है? डीवीएम, ये DVM डिपार्टमेंट है, ठीक है, और ये बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है और बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो जी अभी फिलहाल मैंने सोचा यार आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर का भी विजिट करवा दूँ। ये मैं बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। इस तरह के कॉरिडोर्स हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत से, ठीक है, और साथ ही इधर से निकलते हैं तो यार टेरेस टाइप आ जाता है एक, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी का है वो सामने गर्ल्स हॉस्टल, ये नर्सरी फॉर्म वगैरह, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बताया कि मेन चीज़ मेन डिपार्टमेंट्स ही एग्रीकल्चर के हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप। अभी फिलहाल टेरेस पर रहूँ, ये कॉरिडोर है, डिपार्टमेंट था, ठीक है, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा सकता हूँ यार ये चीज़ें, ठीक है, ये सेंटर में है तकरीबन, मतलब यूनिवर्सिटी का सेंटर है, वो सेंटर है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ये इधर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है। सो लेट्स सी, अभी चलता हूँ। तो यार ये है जी यूनिवर्सिटी का सेंटर, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये यूनिवर्सिटी का सेंटर है, यहाँ से एंट्रेंस होती है, ठीक है। ये मतलब कि डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे वो सड़क जा रही है, ठीक है। आप लोगों को मैं डिपार्टमेंट्स यहाँ के दिखा के आ चुका हूँ थोड़े बहुत, तो अब ये वाली साइड दिखा दी आप लोगों को, ठीक है, और ये नहीं दिखाई अभी, ये एंट्री हुए था यहाँ से, अब ये वाली साइड आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इधर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी के ना गेट हैं, ठीक है, गेट भी अलग अलग हैं, वो हर गेट से मतलब चार, कितने गेट हैं यहाँ पे? चार गेट हैं, ठीक है, चारों में से कहीं से भी एंट्री हो सकते हैं। तो यार आई थिंक सो उनके फ्रेंड मिल गए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक। सबसे ज़्यादा इधर मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा कम्युनिटी स्ट्राइकी कल्चर की है, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे स्ट्राइकी कल्चर, पठान कल्चर और यार पंजाबी कल्चर है बट बहुत कम है, ठीक है, बनिस्बत स्ट्राइकी और पठानों के। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं, अभी कौन सा ये क्या चीज़ है? ये भी एग्रीकल्चर का, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। सो अभी फ़िलहाल इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी क्लासेज हैं। इधर तादाद भी एग्रीकल्चर मतलब के डिपार्टमेंट की है, और सबसे ज़्यादा मतलब के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ही हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स। सो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं आप लोग, तो अभी फ़िलहाल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। अब देखिए यार कितनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी, इतना यार पीसफुल माहौल है यहाँ पे। सो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं आप, हर मतलब के रेस के मतलब हर नस्ल के यहाँ पे मतलब के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आप जैसे कि मैंने बताया अभी, तो हमें रेस से डिपेंड नहीं है बट हमें स्टडी से डिपेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कोई भी हो वो स्टडी करने आया है, ठीक है, उसको उसका पूरा हक मिलता है, और फिलहाल किसी को किसी से कमतर और किसी को किसी से ज़्यादातर नहीं समझा जाता यहाँ पे। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत सी यार छोटा सा पार्क है ऊपर, मतलब कि ये बॉयज़ हॉस्टल है ना, एग्रीकल्चर का ही डिपार्टमेंट है सारा, ठीक हो गया। सर मैं आपको ही ढूंढ रहा था, कैसे हैं? क्लास क्लास है तो आ जाएं, क्लास दोबारा लेने जा रहे हैं? अभी क्लास जा रहे हैं। क्लास जा रहे हो अभी? हाँ। चलें फिर वापसी यहाँ मिलता हूँ, ठीक है, मैं भाई के साथ ज़रा विजिट कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये रिजवान भाई थे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इनका इंट्रो करवा दूँ। ये अकरम भाई के दोस्त हैं, ठीक है, और ये भी इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में होते हैं, और 7th सेमेस्टर था इनका, लैंडस्केप डिज़ाइन लैब। और ये कितनी खूबसूरत है यार, वो छोटे से बना हुआ साथ डिपार्टमेंट क्लासेज हैं, मज़ा आ रहा है यार, पीसफुल माहौल यहाँ पे। आप लोगों क्लासेज तो नहीं विजिट करवा सकता क्योंकि यार वहाँ पे क्लासेज हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो तो विजिट नहीं कर सकेंगे, बट हम मतलब आप लोगों को बाहर से मैं आप लोगों को विजिट करवा सकता हूँ यार, बाहर जितना भी माहौल है, ठीक है, जो चल रहा है डिपार्टमेंट्स के बाहर, ठीक है, क्लासेस के बाहर मैं सब विजिट करवा रहा हूँ आप लोगों को। वो यूनिवर्सिटी का गेट है, ठीक है, वो मेट्रो स्टेशन जा रहा है, ये मेट्रो कौन सा स्टेशन है? ये फैज़ाबाद का स्टेशन है मेट्रो का, मतलब अगर फैज़ाबाद और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को एक मतलब कि टर्मिनल लगता है,
ठीक है, एक टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो फैज़ाबाद के, और ये फैज़ाबाद का ये स्टेशन है ठीक है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड यूनिवर्सिटी, कुछ यहाँ से इस्लामाबाद के आ रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ आ रहे हैं रावलपिंडी के। तो जी ये फिलहाल इंटर था ठीक है यूनिवर्सिटी का, एक गेट ये था, एक गेट से जिस गेट से मैं एंटर हुआ था एक वो गेट था ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेशन आ रहा है, यहाँ से मेट्रो का स्टेशन आ रहा है ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी एंट्रेंस है इस वाले डिपार्टमेंट्स वाली साइड की जाने की, और यहाँ तो आप लोगों को मैं थोड़ा विजिट करवा के आ ही चुका हूँ। तो जी अभी फिलहाल जब यहाँ इस वाले गेट से एंटर होते हैं ना, मेट्रो वाले गेट से एंटर होते हैं, तो यहाँ पे यार ये एक बड़ी सी बिल्डिंग आती है ठीक है, बड़ा सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नहीं बिल्डिंग है, जहाँ पे यार एग्जीबिशंस होती हैं, एग्जीबिशंस होगी या फिर कोई मतलब मीटिंग्स वगैरह हैं, या फिर कुछ अगर इवेंट छोटा सा अगर इवेंट हो तो वो हो गया, ऐसी है ना। तो फिलहाल ये देखिए यहाँ से पार्क है छोटा सा ठीक है। अच्छा इनकी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी यार, एक तो हर बिल्डिंग के साथ छोटा छोटा पार्क बनाया हुआ है, मतलब पार्क ही पार्क है यहाँ पे ज़्यादातर ठीक है, पार्क हैं साथ बिल्डिंग्स हैं और बहुत ईजी सीन है। PMAS एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ठीक है, ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आगे ठीक है। और ये क्या था यार देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीबिशन होती है, मैंने आप लोगों को बताया ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये। और फिलहाल आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये आगे जी लाइब्रेरी ब्लॉक, लाइब्रेरी है ये ठीक है, यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट आ सकता है, हर कोई स्टूडेंट आ सकता है यहाँ पर, सही है यार, यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट आ सकते हैं। लोगों मैंने अभी बताया कि यार लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी के अंदर जाके थोड़ा सा मैं विजिट करवाता हूँ आप लोगों को ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और विजिट वगैरह आप लोगों को थोड़ा सा करवा देता हूँ लाइब्रेरी को। ये थी यार लाइब्रेरी ठीक है, और आप लोग जो कि मैंने थोड़ी सी विजिट करवा दी अगर आप लोगों ने देख ली होगी। तो यार अभी फिलहाल आगे कहाँ जाना है, आगे कोई डिपार्टमेंट्स वगैरह, ये भी ग्राउंड है यार छोटा सा, जो कि इस मतलब कि डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के साथ एक एक छोटा छोटा ग्राउंड है, और जो बड़े ग्राउंड है ना, और जो बड़े ग्राउंड है वो उस वाली साइड में मतलब सेंटर में आ जाते हैं। फिलहाल एक और गेट आ चुका है ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का थर्ड गेट है, सेकंड गेट भी मैंने आपको दिखाया, थर्ड गेट है ये ठीक है। तो फर्स्ट गेट मैंने जब एंट्रेंस हुआ था, ये थर्ड गेट है, और यहाँ से भी आ सकते हैं ठीक है। यहाँ पे अभी पता नहीं क्यों बंद है, बंद क्यों है ये गेट, बंद क्यों है गेट, बंद क्यों है आ जाओ यार, आ जाए भाइयों से मुलाकात हुई है। और यार ये यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप लोगों को कैसी लगती है यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह। अच्छा इस रावलपिंडी के अंदर या पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर? अच्छा एरिड यूनिवर्सिटी यार एग्रीकल्चर में सबसे मतलब फर्स्ट नंबर इसका है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान के अंदर ठीक है। और मतलब लाइक कब से, कौन सा सेमेस्टर है आपका? पाँच सौ सेमेस्टर। और कौन से मतलब के डिपार्टमेंट के? बी एस इकोनॉमिक्स, सही हो गया। कौन सा सेमेस्टर? फिफ्थ। चाचा है, सही है चाचा ठीक है। सही है भाई, हर किसी को तो सबसे ज्यादा मतलब चीज अच्छी क्या लगती है आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी की? लड़कियाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अवैस। आपका? मोहम्मद अहमद। माशाल्लाह यार बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और यार थैंक यू, और विजिट करते हैं फिर आगे इंशाल्लाह, मिलते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़। सुबह 8 बजे ओपन होती है और रात 7 बजे मतलब बंद हो जाती है यूनिवर्सिटी, 4 घंटे की क्लास भी होती है ठीक है, 40 मिनट 50 मिनट की क्लास भी होती है, और जितनी क्लासेज 3-4 क्लासेज होती हैं एक दिन में ना, 5 होती हैं मैक्सिमम ठीक हो गया। तो यार ये यूनिवर्सिटी का, और मस्जिद गए यूनिवर्सिटी की? अरे अभी यूनिवर्सिटी की मस्जिद बंद है क्योंकि अभी कोई नमाज नहीं हो रही, आज टाइम क्या हुआ अभी? अभी शायद हो रहा है 11 बजे, अभी 11 बजने वाले, इसलिए यार यूनिवर्सिटी की मस्जिद ना बंद है क्योंकि अजान नहीं हो रही। तो यार ये यूनिवर्सिटी की ना मस्जिद है ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की मस्जिद,
यहाँ पे जुमा होता होगा है, नमाज होती है, अजान वगैरह आज सिस्टम जमात के साथ आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है यार, ये फिर नर्सरी आ गई, नर्सरी आ गई यार। ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने भाई लोग भी बता रहे थे कि यार ये मतलब ना यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे है एग्रीकल्चर के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से। ठीक है, एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट्स भी बहुत हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, तादाद बहुत है यहाँ पे। सो अभी फिलहाल लेट्स ही आगे चलते हैं। उधर भी मतलब कि नर्सरी थी, यहाँ पे भी नर्सरी है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आप लोग स्टूडेंट्स आ सकते हैं और ईजिली। तो यार आप लोगों को जैसे कि मैं पहले लेके आया था दरम्यान वाली जगह पे, अब मैं वहाँ से आया हूँ। ठीक है, वहाँ से ये सारी साइड्स आप लोगों को विज़िट करवा चुका हूँ यूनिवर्सिटी की, बस एक ये साइड रह गई है, ये भी आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ यूनिवर्सिटी की और देखता हूँ कि क्या सीन है। ये भी आगे जाके फिर गर्ल्स हॉस्टल आ जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल का गेट आ जाएगा ना, नर्सरी भी आएगी, फिर नर्सरी आ गई यार आगे, फिर नर्सरी आएगी, फिर वो सामने गर्ल्स हॉस्टल का मतलब कि गेट है। यहाँ बॉयज़ हॉस्टल भी हैं, कहाँ पर हैं, किस वाली साइड, वो उस वाली जिधर आप लोगों को मैंने वो स्पोर्ट्स के लिए दिखाया नहीं था, वहीं पे ना, वहीं पे है जहाँ मैंने दिखाया था यार जिम वगैरह है उनकी, क्या नाम है, सरों की। तो वहाँ पे मतलब कि है बॉयज़ हॉस्टल और यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, ये मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स भी हैं और हॉस्टल्स मतलब कि यूनिवर्सिटी खुद देती है अपने। ठीक हो गया, प्लांट प्रोपोगेशन यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के यार डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ करना है कर सकते हैं, बट टेस्ट के लिए मतलब यूनिवर्सिटी के मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी तो मतलब कि सारी विजिट करवा दी है, यहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया था आप लोगों को विजिट करवाना और यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ यार यूनिवर्सिटी को विजिट करवाना। ये देखें वो सेंटर था, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं चारों कोने आप लोगों को दिखा के आया हूँ। अगर कुछ नहीं मैंने विजिट करवाया तो यार आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं यार ये चीज़ मैंने आप लोगों को विजिट नहीं करवाई, मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो यार मेरा वादा है मैं विजिट करवाऊँगा। ठीक है, तो बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि यार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अभी फिलहाल यार अकरम भाई का वेट कर रहे हैं, अकरम भाई बाहर आते हैं तो देखते हैं यार क्या सीन है क्या नहीं। सो अभी फिलहाल भाई थैंक यू यार आपने विजिट करवाया यार। देखें भाई लोग सारे यार बैठे हुए हैं, दोस्त बन चुके हैं यार, कैसे हो, क्या नाम है, कैसे हो आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, नाम क्या आपका? मेरा नाम राहिल अब्बासी। राहिल अब्बासी कहाँ से हैं? मैं इधर का हूँ, इधर फैसलाबाद, इस्लामाबाद। आपका क्या नाम है? हुसनैन आबिद, माशाल्लाह। और आपका? मोहम्मद तैयब। आपका? अवैस हसन। सही, आपका? बाबर आजम। अरे बाबर आजम यहाँ बैठा हुआ यार, बाबर आजम लाइट 2.0। अच्छा लगा यार, थैंक यू, ओके यार, अल्लाह हाफिज। सो यार ये हम बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे कैफेटेरिया, देखते हैं गपशप लगा रहे हैं और देखते हैं। देखो फिलहाल अकरम भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया, ठीक है, क्लासेस फ्री वगैरह हो गए हैं अभी, है जूस वगैरह लेके आए हैं, अब पीते हैं जूस वगैरह, फिर आप लोगों को मिलता हूँ। अभी अकरम भाई ने हमें ज्वाइन कर चुके हैं फाइनली, इनकी ना क्लासेस वगैरह खत्म हो चुकी हैं, इनकी क्लासेस खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब हमारे साथ ही अब यूनिवर्सिटी थोड़ा हम घूमे फिरेंगे और इस साथ जूस वगैरह पीते हैं। अभी फिलहाल एरिड यूनिवर्सिटी में था आप लोगों को मैंने विजिट करवाई, पीछे आप लोगों को सारा देखा। ठीक है, सो यार यहाँ पे कुछ मतलब के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एरिड यूनिवर्सिटी के, ठीक है, सारी सराइकी मतलब के कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और बहुत ही मतलब के ना जिस तरह याराना नहीं होता एक, ठीक है, वो मतलब के इनका बहुत अच्छा है, मतलब सराइकियों का वैसे ही बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बारी बारी आप लोगों का इनसे मतलब के तारुफ करवाता हूँ। तो भैया आप बताएं आपका क्या नाम है? अफनान महमूद फ्रॉम सरगोधा। आपका? राशिद नियाजी फ्रॉम मियाँ वाली। ठीक है, आपका? उमर फ्रॉम पिंडी। और आपका भाई? सामा शाह फ्रॉम पता नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ये है कि सफर में ही है तकरीबन जी जी लाइफ में ना। सही है, तो कभी कहीं पे कभी कहीं पे कभी सरगोधा कभी डीआई। और मतलब डिग्री कौन सी कर रहे हैं? डिग्री है मेरी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर और मेरा मेजर हॉर्टिकल्चर। सही, माशाल्लाह। और सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? सेवंथ, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है सर? ज़ियान रियाज। और फ्रॉम कोटा? दू। ठीक है, और आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? बीबीए। माशाल्लाह। और सेमेस्टर? सिक्स सेमेस्टर में। ठीक है जी जी, सेवंथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद महमूद फ्रॉम लिया। और क्या नाम है, कौन सी डिग्री कर रहे हैं यहाँ पे? एग्रीकल्चर। सही, मतलब कि एक बैच के आप लोग। ठीक है, माशाल्लाह। और आपका भाई? अतीकुर रहमान तौनसा शरीफ, माशाल्लाह। और आपका भाई? राहिब सजाद फ्रॉम राजनपुर। आपका? अंसर संधू फ्रॉम लिया। सही, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपका भाई? उमर फारूक फ्रॉम लिया। और फिफ्थ सेमेस्टर यहाँ पे। सो माशाल्लाह। और आप लोगों का अकरम भाई को तो पता ही होगा। और आपका भाई? हंजला मलिक फ्रॉम मियावाली से। ठीक है, तो यार ये ना स्ट्राइकिंग मतलब के थोड़ा सा कल्चर है ना, जो उसके मतलब काउंसिल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे,
ठीक है, और थोड़ा सा भाई बताएं ये जरा आप लोगों का ये सारा असल में है, ये हम बैठे हुए महफिल जी जी तमाम बैचमेट बैठे हैं, ये सराइकी स्टूडेंट काउंसिल है रेड यूनिवर्सिटी जी जी, मतलब गैरिट की तो नहीं कह सकते, पूरे पिंडी इस्लामाबाद लेवल की काउंसिल कह सकते जी जी माशाल्लाह। तो ये सब लोग सराइकी बैठे हुए हैं, आप इधर आए हो हमें बहुत अच्छा लगा जी। और यार ये था जी सराइकी काउंसिल्स का मतलब के महफिल, ठीक है, जो सजी हुई है अभी फिलहाल। जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया था कि यार सारे मतलब के वहाँ पे स्ट्राइकी काउंसिल्स मतलब के बैठे हुए हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं वो सारे मतलब के मजमा लगा हुआ है स्ट्राइकी काउंसिल्स का, ठीक है। इंट्रो करवा दें कि स्ट्राइकी काउंसिल और ये वो, उनको कॉल आ गई है। और अभी फिलहाल मेरा नाम अली हसन है, सेवन्थ सेमेस्टर एग्रीकल्चर है जी। मैं फर्स्ट सेमेस्टर से काउंसिल के साथ हूँ, डे वन से जब यूनिवर्सिटी में एंटर हुए। तो चूंकि हम सराइकी लोग हैं तो एक हमारी अलग पहचान होती है, अलग वसेब से जो वासी है हमारे, उनके लिए यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स से वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। तो बेसिकली काउंसिल बनाने का मकसद ये था कि जो वसेब से यूथ आई है जी, उसको हमने प्रमोट करना है और अपने कल्चर को प्रमोट करना है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता, जो वजीरिस्तान बलोचिस्तान या दूसरे फाटक एरिया से आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि सराइकी भी लोग हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं जो हमारे सीनियर्स ने काम किया, इसीलिए हमने सराइकी काउंसिल बनाई है। और दूसरा काम है जो सराइकी काउंसिल का मोटो क्या है, वो है खिदमत करना, खिदमत खल्क। जो खिदमत खल्क बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल। हम अपने वसेब जादों की खिदमत करते हैं, वहाँ से जो आए होते हैं, जो उनकी मुश्किलात होती हैं, जो यहाँ यूनिवर्सिटी में आते हैं, नया शहर होता है, नए मामलात होते हैं, नया सिस्टम होता है, तो समझने में काफ़ी टाइम लगता है जी। तो इसीलिए हम वहाँ से आए हुए अपने जो छोटे भाई होते हैं, जिस तरह हम आए थे, हम छोटे थे, हमारे सीनियर्स ने हमारी हेल्प की थी, हमारी खिदमत की थी, इसी तरह हम अब उसको अमानत समझ के आगे फैला रहे हैं जी। अभी फ़िलहाल आप लोगों को यार मैं करवाता हूँ, नहीं नहीं कोई मसला नहीं यार, इतने बड़ी शख्सियत से यार आप लोगों को आज तारुफ कराने जा रहा हूँ। एरिड यूनिवर्सिटी जो कि रावलपिंडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, वहाँ का सराइकी जो काउंसिल है, ठीक है, उनसे मिलवाया था आप लोगों को, ठीक है, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। अब उसके चेयरमैन साहब से आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ और उनका इंटरव्यू लेते हैं कि यार वो मतलब कि यहाँ पे जो मतलब आए, मतलब कि अगर सराइकी कोई आए तो यार उसके लिए क्या हेल्प करेंगे, ठीक है, और क्या क्या मतलब कि ये बेनिफिट्स दे सकते हैं उन्हें। सो लेट्स सी, अब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? हाँ फिर तुसां सुनाओ। अच्छा, और इंट्रो दे दें जरा अपना के। मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल्लाह जी, और मियांवाली से बिलोंग करता हूं माशाल्लाह, और अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है बीएस इकोनॉमिक्स में। बीएस इकोनॉमिक्स में थे आप, ठीक है, मतलब सीनियर रह के भी हो चुके हैं, मतलब हर चीज हो चुके हैं, अब माशाल्लाह सराइकी काउंसिल से भी फारिग हो गए, ऊपर चेयरमैन की सीट संभाल ली आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी आप मतलब कि अगर कोई सराइकी आए बाहर से, मतलब कि सराइकी अगर कोई भाई आए तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे आपकी तरफ से, और मतलब कि क्या क्या आप उसके प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारा काउंसिल का मकसद है ना जी, वो हमारे इलाके के जितने भी स्टूडेंट्स आते जी हैं, जी उनको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता जी, कि यूनिवर्सिटी में बैठना किस तरह है, यूनिवर्सिटी में चलना किस तरह है, क्लासेस का पता नहीं होता, क्लासेस की टाइमिंग का पता नहीं होता। तो जितने भी हमारे लड़के हैं जो सीनियर हैं, जो मुझसे यानी कि ना जूनियर है लेकिन हैं सीनियर जी, तो हम उनकी प्रॉपर ड्यूटी लगाते हैं कि आप लड़कों को ना मोटिवेट करें काउंसिल के हवाले से जी जी। देखिए, क्योंकि काउंसिल का जो यूनिवर्सिटी के अंदर कल्चर दिया गया है ना, तो वो बहुत ही भयानक दिया गया है कि काउंसिल जितनी भी हैं वो सिर्फ लड़ाई की वजह से है या लड़ाई करवाती है, बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी काउंसिल का मेन मकसद ही अपने कल्चर को प्रमोट करना जी जी, क्योंकि हमारी सकाफत ही ऐसी है जी, बिल्कुल, बहुत ही मीठी जुबान है, मोहब्बत वाली जुबान है और मोहब्बत वाले लोग हैं जी जी माशाल्लाह। तो हम अपने लड़कों को यही कहते हैं कि जितने भी आपके लड़के जितने भी हैं ना लड़के, चाहे वो पख्तून है, बलोच है, गिलगिती है, कश्मीरी है, आप सबके साथ ना अच्छी कम्युनिटी, बिल्कुल, पेश है। तो हमारा ये मकसद मैसेज जी जी ना, अपने मोहब्बत में रहना और जी जी बिल्कुल, उनको सिखाना कि यार सराइकी कल्चर मतलब कि इधर है, यहाँ पर मतलब कि मौजूद है, ठीक है, होते हैं जिनको जी पता जी सपोर्ट नहीं देना जी, कि सराइकी इधर होंगे या नहीं होंगे, जिस तरह जी बिल्कुल सर का लड़का आता है वो बड़ा सहमा होता है जी जी बिल्कुल। तो जब इंशाल्लाह काउंसिल के लड़कों से मुलाकात करता है तो उसका डर जो उसकी झिझक होती है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, तो जब मतलब कि अगर कोई आता है, ठीक है, मतलब एक सेमेस्टर गुजर गए, दो सेमेस्टर गुजर गए, ठीक है, फिर मतलब कि सीनियर्स या जूनियर्स में अगर कुछ हो जाता है, मतलब अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ होता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसके लिए मतलब कि एक फैसला किया जाता है फिर, मतलब कि अगर तो हो ये इंसाफ मतलब जी जी बिल्कुल, अगर देखिए ना इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जी बिल्कुल, तो मसाइल तो होते जी जी बिल्कुल, हर स्टूडेंट के मसाइल जी। तो इसी तरह सराइकी जितने भी लड़के हैं, सराइकी बैच से लड़के हैं, उनके भी मसाइल होते हैं जी, और जो मसाइल हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से वाइंड अप करें, बिल्कुल, किसी लड़ाई की तरह या किसी को मार दौड़, बिल्कुल ऐसी है, प्यार मोहब्बत से जी जी बिल्कुल। देखा जाए तो
सब जुबानों में मीठी जुबान जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो हम ये कहते हैं कि सराइकी मीठी जुबान है और आपने हमेशा मीठा ही बन के लोगों बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो मतलब आप अब मतलब यहाँ से डिग्री आपकी हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है जी, मेरी कंप्लीट हो सही हो गया और यहाँ पे आपको रह के मतलब क्या क्या सीखने को मिला अगर कुछ मतलब कि बताया जाए मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए जी सीखने के लिए तो हमें बहुत कुछ मिला है जी बिल्कुल देखा जाए तो बहुत ही कुछ मिला जी बिल्कुल खासतौर पर अगर यूनिवर्सिटी से तो हमें इतना कुछ नहीं मिला जी जी जो हमें सीखने को मिला वो काउंसिल से मिला जी बिल्कुल इतनी इज्जत दी लोगों ने इतना मोहब्बत फिर उसके बाद जी बिल्कुल मैनेजमेंट का तरीका जी दूसरा डिसीजन पावर बिल्कुल बिल्कुल और बाकी बहुत सी चीजें हैं जो जी जी बिल्कुल की तरफ हम माशाल्लाह अच्छा अगर आपका आगे प्लान है कि स्ट्राइकी काउंसिल को बढ़ाने का और मतलब के एक अपर लेवल पे लेके आने का देखिए ये जो मेन चीज होती है ना काउंसिल का मैं आपको बता दूं वो होता है साल के साल ना कैबिनेट शिफ्ट होती है कैबिनेट शिफ्ट होती है तो ऑलमोस्ट मेरा टाइम जो है वो करीब है यानी कि मैंने अभी कैबिनेट शिफ्ट करना है चेयरमैन से आगे नीचे आएंगे कि ऊपर जाएंगे नहीं नहीं चेयरमैन से मैं इधर ही एक्स हो जाऊंगा अच्छा एक्स चेयरमैन हो जाएंगे सही है तो फिर जो नया चेयरमैन आएगा वो अपने माइंड लेवल के साथ काउंसिल को लेके चलेगा जी अच्छा चेयरमैन मतलब के बनते किस तरह इधर अगर मतलब के लाइक सीनियर्स होते हैं फिर उनमें से चूज होती है मतलब जो स्ट्राइकी को समझता हो और बिल्कुल अब आपका सवाल है कि चेयरमैन किस तरह बनते हैं जी। तो सिर्फ चेयरमैन बनना ही नहीं है बाकी भी कैबिनेट बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेसिडेंट हो गया जीएस हो गया बाकी कैबिनेट बहुत सारी है लंबी सारी कैबिनेट है जी तो ये देखा जाता है वर्क जी जी कि आप पहले सेमेस्टर में आए हैं उसके बाद आपने काउंसिल की खातिर क्या क्या किया है अपने वसेब के लड़कों के लिए जी जी बिल्कुल तो उस बिना के ऊपर आपको ही ओहदा दिया जाता है कि आप चेयरमैन डिजर्व करते हैं या नहीं करते क्योंकि और दूसरी बात आपको बता दूं कि चेयरमैन वर्क से नहीं बना जाता बिल्कुल चेयरमैन के अंदर चेयरमैन वाली क्वालिटीज होनी बिल्कुल। चाहिए कि वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है या इंतजामिया के साथ डील कर सकता है या और अपने लड़कों को डील कर सकता है बिल्कुल अच्छा तो आप लोगों ने देख लिया यार स्ट्राइकी जो काउंसिल थे उनके जो चेयरमैन साहब हैं ठीक है उन्होंने मतलब कि आप लोगों को कितना अच्छा गाइड किया कि यार अगर कोई स्ट्राइकी मतलब कि आता है उसके लिए क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और कैसे मतलब कि सीनियर्स चेयरमैन पे आ सकते हैं और मतलब लाइक उनके लिए जितनी भी बेनिफिट्स के लिए चीज़ें थी वो प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है ना इनका मतलब कि कोई ऐसा मतलब कि गलत मैसेज है इन्होंने अपनी मतलब कि जो स्ट्राइकी कल्चर को थोड़ा सा उभारा है कि यार स्ट्राइकी कल्चर कुछ है ठीक है और मीठी जुबान मतलब के बोलते हैं सारे ठीक है और मोहब्बत फैलाते हैं यार आप लोगों ने देख लिया सो भाई आपका क्या नाम है अस्सलाम वालेकुम और आप थोड़ा सा इंट्रो दे दें इधर अपना शहबाज फ्रॉम और यहाँ पर कौन सी डिग्री है वो मेरा नाम शहबाज खान है तो डिग्री मेरी पहले बीएस मैंने की यहां जी से यूनिवर्सिटी से अब एमफिल कर रहा हूं एमफिल कर रहे हैं ठीक है और आप स्ट्राइकी काउंसिल के मेंबर हैं जी जी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं सही माशाल्लाह और आप भी यही सेम मैसेज आपका भी जी जी सेम मैसेज जो हमारे चेयरमैन साहब ने दिया है जो चेयरमैन से नीचे होते हैं जी सब चेयरमैन को ही फॉलो करते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आप लोगों ने देख लिया यार कि स्ट्राइकी जो हैं मतलब कि यार स्ट्राइकी काउंसिल के लोग कितने मतलब कि यार मीठी जुबान के मालिक और कितने अच्छे लोग हैं ठीक है यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं लोगों की ठीक है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी खातिर कि यार सराइकियों मतलब के उनको पूरा वो मिलना चाहिए यार ओहदा मिलना चाहिए जो भी उनको डिज़र्व करते हैं तो आप लोगों ने देख लिया यार ये भी फिलहाल ये सीन है कि मैं आज यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुका हूँ सारी यूनिवर्सिटी आप लोगों को विजिट करवा चुका हूँ ठीक है तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं आइसक्रीम वगैरह खा रहा हूँ साथ साथ आइसक्रीम खा रहा हूँ साथ साथ ब्लॉग बना रहा हूँ तो यार अभी फ़िलहाल चलता हूँ हॉस्टल तो यार इस ब्लॉग में यहीं पर एंड कर रहा हूँ अगर तो यार पसंद आया तो यार लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।